हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होंगे। तो गाइस, लेके आ गया हूँ एक बहुत ही कमाल का अपडेट। मैं बात कर रहा हूँ उजुई MMJR एमुलेटर की। तो इसका एक बहुत ही अच्छा गाइस अपडेट आ चुका है। फाइनली गाइस, अब माली यूजर्स अब यूज कर सकते हैं कस्टम ड्राइवर्स। गाइस, मुझे तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज तक ऐसा कोई एमुलेटर नहीं आया है निंटेंडो स्विच का जिसमें माली यूजर्स कस्टम ड्राइवर यूज कर सके। तो ये फाइनली इसमें पॉसिबल हो चुका है उजुई MMJR एमुलेटर में। तो चलिए गाइस, हम ड्राइवर वगैरह को यूज करके देखते हैं। अगर आपको ये एमुलेटर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर चले जाना और वहां पर आपको कस्टम ड्राइवर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये है एक माइंड ब्लोइंग उजुई MMJR एमुलेटर। तो चलिए इसे ओपन करते हैं एंड इसमें हम कस्टम ड्राइवर यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइस हमारे पास की है प्रोडक्शन की, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ऐड गेम्स, तो यहाँ पर गेम्स फोल्डर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर ओके कर देंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माली डिवाइस में GPU ड्राइवर मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर है। तो गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर एग्नेस का ड्राइवर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते। तो एग्नेस का ड्राइवर यहाँ पर वर्क कर रहा है गाइस, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो हमारे पास ड्राइवर है, तो अगर आपको ये सब ड्राइवर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर चले जाओ, आपको मिल जाएगा। तो हम एग्नेस वाला ड्राइवर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिस्टम में जाते हैं एंड लिमिट जो स्पीड है उसको हम डिसेबल कर देंगे। फिर यहाँ पर बैक आएंगे, ग्राफिक में जाएंगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन थोड़ा सा लो कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन थोड़ा सा लो कर दिया। फिर डेबुक में जाएंगे, फिर यहाँ पर CPU एक्यूरेसी पर जाएंगे और एक्यूरेट को सिलेक्ट कर लेंगे। बस हम इतना ही करेंगे, बाकी सबको डिफॉल्ट रखेंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम पोकेमोन का गेम ओपन करके देखते हैं। गाइज, मेरे डिवाइस में है माली GPU एंड हेलियो G85 है। तो यहाँ पर मुझे 40 FPS तक गेम मेरा चल जा रहा है, ठीक है, इस वाले एमुलेटर में। अगर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो मेरा यहाँ पर काफ़ी ड्रॉप FPS देखने को मिल रहा है, 30 FPS तक यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ देखने को मिल रहा है। अगर विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हम गेम खेले तो यहाँ पर मुझे 40 FPS के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जाओ गाइस, ट्राई करो इस एमुलेटर को। तो ये एमुलेटर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।